दोस्तों आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिन्होंने बचपन से ही बहुत मेहनत किया है और आगे जाके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन के साथ साथ एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल लोग भी बने। इनके लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए हर एक चैलेंज को इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा जैसे कि मुझे मिला हुआ है इनके लाइफ की स्टोरी के ऊपर एक वीडियो बनाने की। क्योंकि जब मैं इनके लाइफ के ऊपर स्टडी कर रहा था तो मुझे इनके लाइफ की स्टोरी बहुत इंस्पिरेशन लगी और मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाने चाहिए ताकि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिले। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों मेरा नाम है प्रांजल और आप देख रहे हैं मोटिवेट विद डेव चैनल। इस चैनल में आपको रियल सक्सेस स्टोरीज, बिजनेस आइडियाज और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगा जो आपको अंदर से इंस्पायर्ड भी रखेगा, साथ के साथ लाइफ में ग्रो करने के लिए मदद भी करेगा। तो वीडियो देने दिले चलिए शुरू करते आज का टॉपिक। दोस्तों हमारा आज का जो स्टोरी है वो है कैमोंच विल्सन का। विल्सन का जन्म 1913 सन में यूएसए के अरकनसास में हुआ था। जब वो 9th मंथ के थे तभी उनके पापा गुजर चुके थे। फिर उनके मम्मी अपने ही होम टाउन मेम्फिस पे लौट आई। पापा के गुजर जाने के बाद उन लोगों के पास इतना अर्निंग सोर्स नहीं था कि वो अपनी जिंदगी गुजार पाए और 17 साल के उम्र पे ही रोजी रोटी के लिए विल्सन को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी क्योंकि डिप्रेशन की वजह से उसके मम्मी की जॉब भी चली गई थी। और 17 साल के उम्र से ही वो मेम्फिस के एक सिनेमा हॉल के सामने पॉपकॉर्न बेचना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था लेकिन कुछ समय जाने के बाद उस सिनेमा हॉल के मालिक ने उसको उस जगह पे पॉपकॉर्न सेल करने के लिए मना कर दिया। फिर उसने दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए निर्णय किया। फिर उसने सीक्रेट वेंडिंग मशीन और पिनबॉल मशीन से बिजनेस करना स्टार्ट किया और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो उस एरिया के मालिक को देने लगा ताकि जो उस एरिया के मालिक है वो उसको उस लोकेशन में बिजनेस करने के लिए मना ना कर सके। और 20 साल के उम्र में वो 15 घंटे रोज काम करते थे और डे बाय डे उसका बिजनेस इतना ग्रो हो गया कि कुछ ही महीने बाद उसने एक आइसक्रीम स्टोर खरीद लिया। और कुछ साल बिजनेस करने के बाद उसका बिजनेस इतना ग्रो हो गया था कि कुछ साल बाद उसने 11 सिनेमा हॉल खरीदे थे डिफरेंट सिटीज में। उसके बाद विल्सन ने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी एंटर किया था। फिर 1974 में विल्सन ने एक बास्केटबॉल टीम की फ्रेंचाइजी भी खरीदा था लेकिन जब वो एक बार अपने फैमिली के साथ वाशिंगटन डीसी में घूमने गए थे तब विल्सन को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। और वो प्रॉब्लम ये था कि विल्सन को रहने के लिए कोई भी बेस्ट क्वालिटी का होटल नहीं मिल पा रहा था। उनको अपने ही बच्चे को रखने के लिए अलग से पैसा देना पड़ रहा था। और उसी समय विल्सन ने डिसाइड कर लिया था कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो निकाल के रहेगा। और एज ए सॉल्यूशन विल्सन ने 1952 में हॉलिडे इन का फाउंड किया। हॉलिडे इन ब्रिटिश ओन अमेरिकन ब्रांड है होटल्स का और पूरी दुनिया में हॉलिडे इन का होटल्स अवेलेबल है। दोस्तों विल्सन ने हमेशा एक ही चीज कही है कि मेकिंग मनी इज गुड थिंग बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। और दोस्तों सक्सेसफुल होने के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देना चाहिए और काम ही एक मीडियम है दोस्तों जिसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है लाइफ में। दोस्तों यही थे हमारे आज की स्टोरी कैमोंच विल्सन का। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को बहुत इंस्पायर किया होगा इस स्टोरी ने। मैं तो बहुत इंस्पायर हो चुका हूँ इस स्टोरी से। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन लोगों को भी ये आइडिया के बारे में पता लगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एट लास्ट वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।